गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था म्यू आई इज इक्वल्स टू अल्फा ई। आज हम लोग अल्फा को डिस्कस करते हैं, अल्फा पोलराइजिंग एंटिटी। ये एक डाइलेक्ट्रिक क्वांटिटी है के टू, ये एटम ए के रेडियस है। इस पर हमने डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ ई अप्लाई करना था। देखना ये था कि रोटेशन मोशन के साथ इस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी कैसे चेंज होती है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये तो आप इलेक्ट्रिक डायनेमिक या स्टैटिक जो भी है, ये डायनेमिक मॉलिक्यूल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पोल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, स्टैटिक मॉलिक्यूल है रिपेल करेगा। तो ऐसे में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी इस मॉलिक्यूल की ऐसी कंडीशन में होगी। अब बाय द वे ये मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन करता है, रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से गुजरता है, ऐसे रोटेशन करता है। ये मॉलिक्यूल अभी तो ऐसे रखा हुआ है, अगर ये मॉलिक्यूल घूमता घूमता ऐसे घूमता घूमता यूं आ जाए, यूं आ जाए, एक एटम यहां पर एक एटम उस तरफ ऐसे, तो इस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी जीरो हो जाएगी। अभी तो मैक्सिमम थी, जैसे बी इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था मैक्सिमम थी, ऐसे रोटेट करते 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 जब मॉलिक्यूल इस कंडीशन में आ जाएगा तब इस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी जीरो हो जाएगी। फिर ऐसे रोटेट करता करता ऐसे आ जाएगा, पहले ये वाला पार्ट इस तरफ था, अब ये वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा, तब फिर से मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी, फिर घूमता घूमता ये हो जाएगा तो मिनिमम। तो अगर मेरा मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष, तो मेरे मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी बार बार चेंज होती है। और ऐसे में अगर पोलराइजेबिलिटी बार बार चेंज होती है तो स्कैटर लाइट में मुझे रमन लाइंस भी नजर आएंगी रेलिस कटिंग के साथ साथ। अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज नहीं होती तो केवल रेलिस कटिंग मिलती, और अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है तो मेरे को रमन लाइंस भी मिलेंगी। इसके रोटेशन का एक तरीका और है, ये जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के सापेक्ष भी घूम सकता था ऐसे बार बार ऐसे घूम सकता था। तो ऐसे वाले मोशन में मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज नहीं होती, उस कंडीशन में रोटेशनल मोशन होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल रमन लाइंस क्रिएट नहीं करवा सकता। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायनेमिक या स्टैटिक जो भी अप्लाई करना था कर दिया, मॉलिक्यूल को रोटेशनल मोशन करना था, रोटेशनल मोशन के दो तरीके थे, या तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर एक्सिस के सापेक्ष रोटेशन मोशन करता या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस गुजरता वहां से करता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस जाएगा वहां के सापेक्ष अगर मोशन करवाएंगे तो बार बार मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी, अल्फा की वैल्यू चेंज होगी। तो ये मोशन ही बेटर मोशन होगा इस मॉलिक्यूल के लिए
ताकि इसकी बार बार पॉलिबिलिटी चेंज हो, और अगर ये चेंज करेगी तो ये भी चेंज करेगा, और ये अगर चेंज करेगा तो नंबर नाइन में लाइन्स एक्टिव होगी। केस नंबर दो, अब की बार हमको किस बात का ध्यान रखना है कि बोर्ड लेंथ किसी मॉलिक्यूल की कम थी और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, शॉर्टर बोर्ड लेंथ के मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। शॉर्टर लेंथ के केस में ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बॉन्डेड होंगे, अच्छे से इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एटम और ये एटम पकड़ के रखेंगे। ये टाइटली बॉन्डेड होने के कारण इस मॉलिक्यूल की जो में जो पोजीशन है वो कम होगा शॉर्टर बॉन्ड लेंथ के मामले। अगर इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी जाए तो ये लूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और लूज वाले केस में इसमें जो है इंड्यूस डाइपोल या कैल्शियम पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो फिर पोलैरिटी भी बढ़ती है, अल्फा का मान भी बढ़ता है। इसका मतलब वाइब्रेशन मोशन होने पर लेंथ का बढ़ना या घटना, वाइब्रेशन मोशन होने पर किसी मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज करती है, और पोलराइजेबिलिटी चेंज करने पर इंड्यूस डाइपोल भी चेंज करता है, और इंड्यूस डाइपोल चेंज करेगा तो रबर लाइंस एपियर होंगी। इसका मतलब तो ये रहा कि रोटेशनल और वाइब्रेशन दोनों तरह के मोशन ही रबर लाइंस को क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कहने का मतलब अगर मेरे सैंपल मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन या वाइब्रेशनल मोशन या दोनों ही अपेयर होते हैं, उसी कंडीशन में मेरा सैंपल मॉलिक्यूल अपना म्यू आई चेंज करेगा, और म्यू आई चेंज करने की कंडीशन में ही मेरे को रबर स्पेक्ट्रा में रबर लाइंस अपीयर होंगी। तो रबर लाइन अपीयर होने की एसेंशियल कंडीशन है म्यू आई भी चेंज है। इसमें जो चेंज होगा इसकी वजह से आएगा, और इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो रोटेशनल मोशन हो या वाइब्रेशनल मोशन। अगले क्लास में हम लोग रबर लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में रबर शिफ्ट को डिस्कस करेंगे।